हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मेजरमेंट और इवेल्युएशन का जो टॉपिक है वो यूजुअली बीएड, एमएड और यूजीसी नेट के रिसर्च के टाइम भी और कई जगह पे जो है वो मेंशन है। सो आपको ये टॉपिक के बारे में पता होना, एटलीस्ट बेसिक पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यूजीसी नेट एजुकेशन में तो है ही, अगर इन जनरल की भी बात करें सो मेजरमेंट और इवेल्युएशन टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कहीं ना कहीं फिट हो सकता है, क्योंकि जो आपका टीचिंग आप जिस तरीके से करते हैं उसमें मेजरमेंट और इवेल्युएशन भी एक पार्ट माना जाता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है मेजरमेंट और इवेल्युएशन में, और एक्चुअल में इनमें रिलेशनशिप क्या है। सो इनका इंटर रिलेशनशिप प्लस डिफरेंस जो आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, शुरू करते हैं, एक बार इंटर रिलेशनशिप देखते हैं कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन में क्या रिलेशनशिप है। सो दोनों ही टर्म्स जो हैं अगर हम बात करें तो असेसमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है, कि आप कोई चीज असेस कर रहे हैं यानी आप किसी चीज का पता लगा रहे हैं। सो मेजरमेंट जो है वो एक तरीके से क्या रहेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में या क्वांटिटेटिव फॉर्म में रहेगा, और इवेल्युएशन जो है वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का, जो कि एक तरीके से क्या है, जजमेंट है। यानी कि इसमें जो टीचर है या जो इवेल्युएटर है, जो इवेल्युएट कर रहा है बच्चे को, वो इसमें क्या है, एक तरीके से जजमेंट हो जाता है कि आप मतलब बच्चा कैसा है, पढ़ाई में कैसा है या बाकी चीज़ें उसको कितनी आती हैं, उसका मॉरल बिहेवियर कैसा है। सो वो सारी चीज़ें जो है वो इवेल्युएशन में इंक्लूड मानी जाती हैं, ठीक है जी। मेजरमेंट में सिर्फ न्यूमेरिकल या डाटा वैल्यूज को कलेक्शन या उनको मेजर करना, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, चाहे कुछ भी हो, जैसे आईक्यू है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटेलिजेंस है, कोई भी क्वालिटी है, सो वो इंटरनल क्वालिटीज को जब आप असेस करते हैं तो दोनों ही असेसमेंट के काम में आते हैं, ठीक है। मेन पर्पज क्या है दोनों का, मेजरमेंट और इवेल्युएशन का? अब ये मेन पर्पज को आप जो है क्या कर सकते हैं, जो जो चीजें आपको सिमिलर नजर आ रही हैं, तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज भी बता सकते हैं कि भाई दोनों के दोनों असेसमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों के दोनों एक तरीके से टेक्निक मानी जाती है बच्चे के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। सो दोनों का मेन पर्पज क्या है, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विच इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएटली इन लर्निंग सीक्वेंस एंड क्लासिफिकेशन और स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड सब्जेक्ट। सो वो प्लेस करते हैं स्टूडेंट को। मेजरमेंट में हम मार्क्स वाइज या जो डाटा है न्यूमेरिकल उसके वाइज कर देंगे इनको, जो एबिलिटी या सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें उनको पता हैं, या मान लीजिए साइंस में अलग मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली अलग अलग ही आएंगे सब सब्जेक्ट्स में, तो साइंस में प्लेसमेंट अलग रहेगा बच्चों का कि कहाँ पे वो प्लेस किए जा सकते हैं लर्निंग सीक्वेंस में, कि उन्होंने कितना सीखा है। सो अगर हम मेजरमेंट वाइज करते हैं तो हम डायरेक्ट मार्क्स वाइज कर देंगे, लेकिन जब हम इवेल्युएशन वाइज करते हैं तो हम ओवरऑल चीज़ें देखते हैं। फिर है सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर कोर्स। कई बार होता है कि मेजरमेंट, कई बार क्या, हमेशा ही होता है बल्कि, कि मेजरमेंट क्या होता है, जब हम चीज़ें करते हैं या जो स्ट्रीम सिलेक्ट की जाती थी अब तक, स्पेशली जब तक जो NEP 2020 है वो लागू नहीं हुई, तो जो स्ट्रीम्स हैं वो मार्क्स की बेसिस पे ही मिलती थी, कि जिसको जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस मिलेगी जो सब्जेक्ट वो चाहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को कोर्स के लिए सिलेक्ट करना भी जो है एक तरीके से पर्पस है इनका। सर्टिफिकेशन, जिसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है बच्चे का, पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या जो अचीवमेंट उसने की है उसके बारे में बताने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। स्टिम्युलेटिंग लर्निंग। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि मेजरमेंट हो, इवेल्युएशन हो, असेसमेंट हो, इन सब में ही आप लर्निंग को जो है वो स्टिम्युलेट तो करते ही हैं, क्योंकि एक तरीके से स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे मोटिवेट रहता है टीचर से, क्योंकि टीचर एक प्रोवाइड फीडबैक प्रोवाइड करेगा, सजेस्ट करेगा कि उनको क्या करना चाहिए बच्चों को। सो लर्निंग को जो है स्टिम्युलेट दोनों तीनों प्रोसेस जो है वो करेंगे। इम्प्रूविंग टीचिंग बाय हेल्पिंग टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग अरेंजमेंट। सो जो जो आपको फीडबैक मिला है बीइंग ए टीचर, उसके बेसिस पे यानी आप इफेक्टिव अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को हम बेटर तरीके से कैसे सिखा सकते हैं। सो आप इम्प्रूव करेंगे टीचिंग में ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सो ये पर्पसेस होते हैं मेजरली। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो अगर मैं इनको एक पर्टिकुलर एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूँ तो क्या रहेगा, कि मेजरमेंट का एम्फेसिस किस पे है, सिंगल एस्पेक्ट पे है। और वो सिंगल एस्पेक्ट क्या है, अचीवमेंट है, स्पेसिफिक नोट स्किल है, जो भी चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक है, आप उसको मेजर कर रहे हैं, आप उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में, डाटा या न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या कर रहे हैं, ढाल रहे हैं, ठीक है।
लेकिन इवेल्युएशन का एम्फेसिस किस पे होता है? ब्रॉड पर्सनालिटी चेंजेस पे होता है कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एजुकेशनल प्रोग्राम में, कि क्या उनको हम कैसे उनको बेटर बना सकते हैं, कैसे उनकी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, कैसे उनको एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह मोल्ड कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों पर इवेल्युएशन का एम्फेसिस रहेगा। दीज इंक्लूड नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर अचीवमेंट बट ऑल्सो जो एटीट्यूड रहेगा, इंटरेस्ट रहेंगे, आइडियल्स, वेज, थिंकिंग, वर्क हैबिट्स, पर्सनल सोशल adaptability, तो ये सारी चीजें हम किसमें evaluation में include करते हैं। For example, अगर maths का एक test बच्चों का लिया जाए, तो वो maths का test क्या है? उनके measurement के काम आएगा, यानी कि वो ये तो बता पाएंगे हम कि वो जो बच्चा है उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए या उसको मैथ्स कितना आता है। मान लो उस बच्चे के मैथ्स में जो है 59 मार्क्स आए 70 में से, ठीक है। सो हमें ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने दिए थे बच्चा उनमें कैसा है। हम ये इवेल्युएट नहीं कर सकते कि इससे बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, कि किसी के कम मार्क्स हैं तो बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है या उसका मॉरल कैरेक्टर अच्छा नहीं है, सो वो इवेल्युएशन में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये क्या रहेगा? मेजरमेंट और इवेल्युएशन का मेजर एम्फेसिस, कि एक सिंगल टेस्ट के बेसिस पे आप सारी चीजें नहीं बता सकते। सो जब सिंगल टेस्ट के बेसिस पे आप चीजें कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट हो गई। जब आप इवेल्युएशन में क्या जाएगा कि कंप्लीट चीजें आप इंक्लूड कर रहे हैं। अब डिफरेंस जो है इनमें, मेजर डिफरेंसेस हम एक बार देख लेते हैं। मेजरमेंट डज नॉट एक्सप्रेस एनी क्लियर अजम्पशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो 50 मार्क्स आ गए बच्चे के 70 में से 60 में से, तो वो क्या है, ये कंप्लीटली क्लियर ये नहीं बताता। कोई भी अजम्पशन हम इससे नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है उस दिन उसने अच्छा परफॉर्म ना किया, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज मैटर करते हैं। सो मेजरमेंट से हम क्लियर अजम्पशन जो है वो नहीं लगा सकते। क्लियर अजम्पशन हम इवेल्युएशन के बेसिस पे बना सकते हैं बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। सो वो क्लियर अजम्पशन का आप ध्यान रखिएगा कि हम अगर हमने पूरा कैरेक्टर इवेल्युएट कर रखा है, सारी चीजों के बारे में देख रखा है, सो इवेल्युएशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट कैसा है। हम मेजरमेंट के बेसिस पे नहीं बता सकते कि स्टूडेंट जो है बिल्कुल डल है या पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है या बातचीत अच्छे से नहीं करता, वो हम मेजरमेंट से एक सिंगल टेस्ट से जो है वो नहीं बता सकते। मेजरमेंट डज नॉट रिक्वायर मच एनर्जी एंड टाइम, ऑब्वियसली आपने क्वेश्चंस बनाए, बच्चों को दे दिए, उन्होंने कर दिए, वो वाली सिचुएशन, तो इतना टाइम जो है यहाँ पे मेजरमेंट में नहीं लगता। इवेल्युएशन में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट। सो एक तो है कि आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक टेस्ट ले रहे हैं उनका और उसके बेसिस पे उनके मार्क्स बता रहे हैं। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है या बाकी चीजों में कैसा है, एकेडमिक्स के साथ साथ, प्लस वो टेस्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड माना जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सबसे पहले टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो आप ध्यान रखिए, उसके बाद टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद आप मेजरमेंट ध्यान रखिए, क्योंकि टेस्ट जो कंस्ट्रक्ट किया है उसके बेसिस पे आप मेजर करेंगे, और मेजरमेंट के बाद जब आप असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट किसकी करेंगे, जो चीजें आपने कलेक्ट की हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इवेल्युएशन यानी कि फाइनल जजमेंट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि इवेल्युएशन में ऑटोमेटिकली देखा जाए तो ये तीनों चीजें इंक्लूड हो गई। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में सिर्फ टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, मेजरमेंट में टेस्ट कंस्ट्रक्शन इंक्लूड हो गया, असेसमेंट में ये दोनों चीजें इंक्लूड हो गई। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए आप जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेजरमेंट का स्कोप लिमिटेड है, ऑब्वियसली जो हमने अगर एक टेस्ट लिया है तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि बच्चा मैथ्स में कैसा है, हम बाकी चीजें नहीं बता सकते ना, तो स्कोप लिमिटेड हो गया। इवेल्युएशन का स्कोप जो है वो क्या है, एंटायर पर्सनैलिटी के बारे में चेक करता है, टेस्ट करता है, तो स्कोप जो है वो वाइड हो गया हमारे पास। मेजरमेंट कंटेंट ओरिएंटेड होता है, जैसे मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया तो बच्चे को मैथ्स कैसा आता है वो पता चला, वो जो कंटेंट पर्टिकुलर की मैंने अगर दो चैप्टर दिए थे तो वो उसके ऊपर बेस्ड है। इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है कि बच्चा ओवरऑल कैसा कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स जो करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है वो सारी चीजों को पूरा कर रहा है या नहीं। मेजरमेंट एक जरिया है, एंड नहीं है अपने आप में, यानी मेजरमेंट देखिए यहां है ना, मेजरमेंट एंड तो अपने आप में इवेल्युएशन हुआ लास्ट में जाके, जो सब चीजों को इंक्लूड कर रहा है। सो इवेल्युएशन जो है वो एक क्या है, एंड है अपने आप में, जिसमें हम जजमेंट जो है वो देते हैं। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या है कि वो कलेक्ट करता है या मेजर करता है एविडेंसेस को, ठीक है, यानी कि आप कलेक्शन कर रहे हैं उसमें, आप उसके बेसिस पे जब डाटा, उस जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए उसके बेसिस पे आप इंटरप्रेट जब करने लग जाएंगे, सो वो जब इन्फ्रेंसेज आप निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, वो क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन हो जाएगा।
मेजरमेंट मे नॉट बी एन एसेंशियल ऑफ एजुकेशन. जैसे अगर आप स्कूल के छोटे बच्चों को देखेंगे या जो प्री प्राइमरी या बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जाते हैं स्कूल, तो आप गौर फरमाइएगा कि उनके जो है मार्क्स जो है उनको असाइन नहीं किए जाते. उनको अच्छा, गुड, वेरी गुड, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बट मार्क्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि कंपेरिजन जो है वो आ जाता है मार्क्स से. तो मेजरमेंट एजुकेशन में हर जगह जरूरी है, ये जो बात है वो सही नहीं है कि हर जगह जरूरी नहीं है मेजरमेंट. इवेल्युएशन एक इंटीग्रेटेड पार्ट है. जो आप गुड, वेरी गुड या जो बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे सिखाना है, वो सारी चीजें ही इवेल्युएशन में आ रही है. तो इवेल्युएशन एक इंटीग्रल पार्ट है, मेजरमेंट एक एसेंशियल पार्ट जो है वो मे नॉट बी द एन एसेंशियल पार्ट. ठीक है, मेजरमेंट क्या है, हाउ मच, कि बच्चे को कितना आता है, वो वाली सिचुएशन. लेकिन बच्चा क्या है, क्या वैल्यूज है, वो आंसर हमें इवेल्युएशन देगा. जैसे हमने मैथ्स के मार्क्स की बात की थी, मान लो ऋतु के 56 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, तो वो क्या है कि हाउ मच शी स्कोर्ड, राइट. लेकिन इवेल्युएशन में क्या रहेगा कि उसका कैरेक्टर इवेल्युएशन, बाकी सारी चीजें इंक्लूडिंग. तो व्हाट का मतलब क्या है वो इवेल्युएशन जवाब देगा, कितना है वो मेजरमेंट देगा. प्रिडिक्शन नहीं बना सकते हम मेजरमेंट के बेसिस पे. जैसे हमने पहले भी बताया था मैंने कि मेजरमेंट जो है वो आपको हाउ मच बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि बाकी चीजें क्या है. तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा कैसा है, लेकिन इवेल्युएशन में हम मीनिंगफुली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. मेजरमेंट जो है एक सिचुएशन के बारे में जो है वो उस सिचुएशन से परिचित कराता है. एक्विंट्स मतलब परिचित. सो मेजरमेंट हमें उस सिचुएशन से परिचित करवाता है, जबकि वो सारे के सारे एनवायरमेंट को आइसोलेट कर देता है. जैसे हमने बात की कि मार्क्स आ गए 56 बच्चे के किसी टेस्ट में, सो वो क्या है, उसने बाकी सर्कमस्टेंसेस नहीं देखे कि 56 क्यों आए, क्या रीजन रहा, कम आए, ज्यादा आए, वो वाली सिचुएशन. सो वो चीजें उसने नहीं देखी, तो बाकी एनवायरमेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया. लेकिन इवेल्युएशन में सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन इंक्लूड की जाएगी, तभी जाके क्या है उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है. मेजरमेंट इंडिकेट्स दोज ऑब्जर्वेशंस विच आर डिस्प्लेड न्यूमेरिकली. ये हमने पहले ही बात कर ली थी. इवेल्युएशन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करेगा. मेजरमेंट किसी भी टाइम कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. आप हर टाइम तो टेस्ट नहीं ले सकते ना बच्चे का, बट इवेल्युएट आप हर टाइम कर सकते हैं. तो मेजरमेंट जो है कॉन्टिन्यूस नहीं माना जाता एक तरीके से, इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो माना जाएगा. सो ये जो है हमने रिलेशनशिप और डिफरेंसेस की बात की. अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग.